गाइस, तो आज मैं ज़रा मेरे गैलरी में, मतलब मोबाइल की गैलरी में चेक कर रहा था थोड़े वीडियोस वगैरह पुराने वाले। तो वहाँ पर मुझे क्लिप मिली जो मालदोली गांव की थी। तो मैं, मतलब और भी थे वहाँ पर, सिर्फ मेरे को अभी जो भी है वो सीसाइड जो है मालदोल का, वहाँ की जो क्लिप है वही मिली सिर्फ, क्योंकि बाकी और भी जो क्लिप थे वो मेरे पुराने वाले मोबाइल में रह गए थे। तो मैं शायद से ये मोबाइल में लेना भूल गया था, तो और वो मोबाइल मेरे पास है भी नहीं अभी, पता नहीं कहाँ है। तो आज का जो व्लॉग होगा वो उसी पर होगा कि मालदोल में जो भी, मतलब सीनरी है, सी साइड है, खेत वगैरह, वो सब मैं वीडियो में दिखाया है मैंने, ठीक है। तो क्यों में अगर आप बोलेंगे ना सबसे बेस्ट जगह कौन सी है, तो वो मालदोल है। घूमने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। आप वहाँ पर जाएंगे ना तो आप पुराने, मतलब ज़माने के जो भी घर है वो अभी तक वहाँ पर वैसे ही बरकरार है। तो वहाँ पर आपको, मतलब देखने मिल सकते हैं कि पुराने लोग, मतलब कैसे घर घर में रहते थे, कैसे घर बनाते थे। और आई थिंक सो अभी तक वहाँ पर लाइट्स की भी शॉर्टेज है, आई थिंक कन्फर्म नहीं है, क्योंकि एक्चुअली जो वीडियो है ना वो 2 साल पुराना है, आई थिंक 2021 में या 2020 में मैं गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर बनाया था मैंने, मतलब वो घर घर के तो वीडियोज़ नहीं बनाया, मिले नहीं मुझे, बनाया था मैंने बट मिले नहीं मुझे। तो फोटोज़ हैं, आई थिंक फोटोज़ मैं ऐड कर दूँगा उसमें, तो वो भी आप देख सकते हैं, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए फिर मैं अभी वीडियो अपलोड कर दूँगा तो आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो ही है, 4 मिनट का कुछ वीडियो है आज। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में शूट करता है 1080 पीला रिशात कैसे हो रे, क्या मोबाइल उड़ाओ हल ए अच्छा गाँव आदमी हलता है। This is the dangerous bridge of Maldoli. गावातल्या लोकांना काही टेन्शन नाही रे, आपण लोक नाही करू शकत स्टंट हे। पूरा जंगल आहे, गाय है वहां नहीं कदर स्टैंड हने पाजे होता यार। निशा दूटी करनी तुटणार नाही ना, बघ चिकल आहेत पुरा, लाल पिवळे कलरचे हे होते माहिती इकडे पहिले किडवे असायचे।
तो बाहर करते पूरा चिक्का लाइक इकडे इतका पूरा पाणी येतं ना पाणी भरल्यावरती किती पूरा ओव्हरफ्लो होत असेल मी तर बोलतो नाही भरतीच्या टायमाचा असतो रे सिस्टम भरती असतो डिपेंड असतं आपलं इकडे पाणी बिनी भरत असतं काही नाही भरती लागली ना तर मग पाणी वरती येते भरती नसली तर पूरा पाणी खाली असतं उडी मारता येते ना आता मला उडी मारता येते